Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Super Grids by Top Rankers. मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए और कुछ बेसिक थ्योरी को जाना, तो आज भी हम थोड़ी और थ्योरी करते हुए कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल्स करेंगे। सो आई होप यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट और स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी और उसी इंटेंट के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का एक फंक्शन है, तो इसको मैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी तो लिख सकता हूं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन, क्योंकि जब तक इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तब तक इक्वेशन नहीं कहूंगा, तो इट्स अ एक्सप्रेशन। बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में सर, एक्स की दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिस पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और वही एक्स की दो वैल्यूज रूट है, और वही एक्स की दो वैल्यूज रूट है, तो इसका मतलब बाकी एक्स की वैल्यूज पर तो अलग अलग आउटपुट आएगा ना। सो इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अगर ए जीरो से बड़ा है द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इट विल रिप्रेजेंट अ अपवर्ड पैराबोला, इट विल रिप्रेजेंट अ अपवर्ड पैराबोला। और अगर एक ए लेस देन जीरो है तो इट विल रिप्रेजेंट अ इनवर्टेड पैराबोला, इनवर्टेड पैराबोला। कैसी? नीचे की तरफ वाली पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और इसको हम कहेंगे अपवर्ड पैराबोला। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर डिपेंडेंट है, और वो है ए का साइन। ए ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन जीरो इनवर्टेड पैराबोला। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर काटेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर काटेगा वो रूट्स हैं, क्योंकि रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये दोनों वो पॉइंट है, ये दोनों वो पॉइंट है जहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यहां पॉजिटिव थी, यहां नेगेटिव थी, यहां जीरो, यहां जीरो। सो रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये अल्फा और बीटा है हमारे इन एनी ऑर्डर, ये भी अल्फा और बीटा है। तो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक निकल के आया कि अल्फा और बीटा ग्राफ पर वो पॉइंट है जहां पर एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एंड सो ऑन। ए बड़ा है तो ऊपर की तरफ फेस, ए छोटा है तो नीचे की तरफ फेस। चलो भाई आगे की बातों पर चलते हैं। नाउ रूट्स कैसे हैं उस पर भी ग्राफ्स वेरी कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल रूट्स रियल भी हो सकते हैं और रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। रियल में भी दो केसेस हैं, इक्वल और डिस्टिंक्ट, और यहां पर मैंने डिस्टिंक्ट की जगह इमेजिनरी लिखना था, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी में तो इमेजिनरी, इमेजिनरी में तो भाई इमेजिनरी ही होंगे। तो रियल रूट्स है इसका मतलब एक्स के रियल पॉइंट्स पर कट करेंगे, रियल रूट्स है तो एक्स के रियल पॉइंट पर कट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रियल और इक्वल है, अब रियल और इक्वल होने का मतलब दोनों ही पॉइंट्स, दोनों ही रूट एक ही जगह पर है, दोनों ही रूट एक ही जगह पर है और रियल है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर कोई रियल पॉइंट होगा। तो अब मैं इसे नीचे नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर इसको जैसे ही मैंने नीचे भेजा, जैसे ही नीचे भेजा तो दो अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे। तो व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इट विल टच द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट, इट विल टच द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। ऑब्वियसली अब हम ये वाले केसेस ए लेस देन जीरो के लिए भी बना सकते हैं, बट वो रिपीटेशन हो जाएगा, बिकॉज जो बच्चा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बना लेगा वो फिर ए लेस देन जीरो के लिए भी बना लेगा। और डिस्टिंक्ट के लिए जैसा पहले बनाया था, दो अलग अलग पॉइंट अल्फा और बीटा, तो इन दोनों रूट्स के बीच में देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव जा रही है।
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हुई, सिर्फ एक पॉइंट पर आके जीरो हुई थी और हमेशा पॉजिटिव रही, है ना। टच वाले केस में, इक्वल रूट वाले केस में आपने देखा कि एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो और जीरो हुई थी बस एक पॉइंट पर। तो टच वाले पॉइंट में आपका एफएक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एफएक्स कुछ और नहीं, हाई फाई लग रहा होगा आपको सुनने में, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और उसमें बड़ा भी है, जीरो भी है, लेस भी है इन सम पोर्शंस। इमेजिनरी, इमेजिनरी को हम कैसे इमेजिन करेंगे? इमेजिनरी को हम कैसे इमेजिन करेंगे कि सर एक्स के इमेजिनरी पॉइंट्स पर काटा है, एक्स को इमेजिनरी पॉइंट्स पर काटा है, मतलब किसी पॉइंट पर नहीं काटा है, ना ही टच किया है। तो इसका मतलब इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो इट इज ऑलवेज अपवर्ड, और अगर ए लेस देन जीरो होगा तो ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इमेजिन कर पा रहे हो ये सब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों के ही उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के ही उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। जनरल केस ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये इक्वेशन हो गई, एक्सप्रेशन की मिनिमम पूछी जाएगी आपसे। किसकी पूछी जाएगी? एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले याद कर लो, इट्स माइनस डी बाय फोर ए, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इट इज फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, माइंड माई वर्ड्स, एक्सप्रेशन इज माइनस डी बाय फोर ए, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू। ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो किस एक्स पर आएगी? माइनस बी बाई टू ए पर आएगी। कोई पूछता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, आप कहेंगे फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, लेकिन पूछता है वो मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर आएगी, तो योर आंसर वुड बी माइनस बी बाई टू ए। डेरिवेशन करना बहुत इजी है, यहां पर मैं ऑब्लिक भी लगा लेता हूं, मिनिमम कॉमा ऑब्लिक मैक्सिमम, मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम, मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम लगा लिया मैंने। क्या डिपेंड करेगा? जैसे अगर अपवर्ड वाला पैराबोला है तो उसकी मिनिमम पूछी जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। अगर अपवर्ड वाला पैराबोला है तो इसकी मिनिमम पूछी जाएगी, आंसर वही सेम रहेगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए मिनिमम वैल्यू, और किस एक्स पर? माइनस बी बाई टू ए पर। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए। आयरनी इज कि जब इन्वर्टेड वाला होगा तो यही वैल्यू मैक्सिमम की तरह एक्ट करेगी, यही वैल्यू मैक्सिमम की तरह एक्ट करेगी, एंड यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि कोऑर्डिनेट्स अभी भी सेम रहेंगे, माइनस बी बाई टू ए और फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए। अगेन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज मिनिमम? माइनस बी बाई टू ए इज द आंसर। वॉट इज द मिनिमम वैल्यू? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए इज द आंसर। वॉट आर ए बी सी? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एन कॉन्स्टेंट, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एन कॉन्स्टेंट। एक आध क्वेश्चन यहां से हमेशा आता रहा है, फंक्शंस में या फिर व्हाट डू यू से क्वाड्रेटिक में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, तो सम क्वेश्चंस वर इन द होमवर्क एज वेल, उनको भी देख लेंगे। सम क्वेश्चंस आई हैव एडेड एज वेल, है ना, कि कुछ मजेदार क्वेश्चंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन का कॉम्बो। क्या हो जाएगा ये? अभी तक एलजेब्रा के जो चार सेशंस हुए उन सबका कॉम्बो है ये।
क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था, फिर क्वाड्रेटिक अभी पढ़ा दी, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एज वेल एज क्वाड्रेटिक। सर एक्स प्लस एक्स को बहुत देर तक कैरी करना इज डिफिकल्ट, सो आई एम टेकिंग एक्स प्लस एक्स इज वाई, वाई स्क्वायर माइनस 3y+2 इज इक्वल टू 0 की क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो, y-2 y-1 इज इक्वल टू 0, सो इट इज आइदर वाई इज टू और वाई इज वन। अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को सिस्टम में ले आओ, सो वाई वॉज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज टू और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज वन, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू जब भी होता है व्हेन एक्स इज टू, तो एक तो रियल सॉल्यूशन ये आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू होने का मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट है कि एक्स इज, अरे क्या लिख दिया मैंने, एक्स इज वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू होने का डायरेक्ट और एकमात्र एप्लीकेशन है, डायरेक्ट और एकमात्र एप्लीकेशन है एक्स इज वन। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ओपन भी करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 बन जाएगा, विच इज नथिंग बट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो दोनों ही वैल्यू सेम आ जाएंगी 1,1, तो बेसिकली एक रियल सॉल्यूशन यहां से आ गया कि एक्स इज इक्वल टू 1 इज द रियल सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट भी बोला है, देखो तो 1 दो बार आएगा बट डिस्टिंक्ट में एक बार काउंट होगा, 1 दो बार आएगा बट डिस्टिंक्ट में एक बार काउंट होगा। अब इसको देखते हैं जरा ध्यान से, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वन होने से कोई रियल सॉल्यूशन आ सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। रियल सॉल्यूशन आना ना आना डी पर डिपेंड करता है, रियल सॉल्यूशन आना ना आना डी पर डिपेंड करता है। एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और व्हाट। तो आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसा है, 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 है। इसका डी नेगेटिव है, मतलब डी नेगेटिव होने का मतलब कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, डी नेगेटिव होने का मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो यहां से हमें कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिल सकती। तो सेकेंड वाले इक्वेशन से हमें कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिल सकती, पहली वाली इक्वेशन से हमें एक्स इज इक्वल टू 1 मिला दोनों बार, डिस्टिंक्ट में एक बार काउंट होगा, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। देख रहे हो आप, जो हमें 4 लग रहा था कि सर 2 यहां से आ जाएंगे 2 वहां से आ जाएंगे, वो 4 ना होके ओनली 1 इज देयर। चलो ये एक क्वेश्चन था, मैंने आपको एक दो दिन पहले सेशंस में होमवर्क में दिया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम आंसर, बस आंसर तो आए नहीं, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस इट एज वेल। एरॉन ने कुछ पेंसिल और शार्पनर्स खरीदे हैं, शार्पनर्स स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑन द मनी एज एरॉन एंड आदित्य, व्हाट ट्वाइस एज मेनी। अच्छा ठीक है, तो एरॉन ने कुछ पेंसिल और शार्पनर्स खरीदे हैं, उतना ही पैसा खर्च करने पर आदित्य ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स और 10 लेस शार्पनर्स खरीद लेता है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय एरॉन एंड आदित्य टुगेदर। ठीक है, कुछ पेंसिल्स कुछ शार्पनर्स है ना, तो लेट पी पेंसिल एस शार्पनर्स है ना, और देयर क्वांटिटीज आर एक्स, जस्ट अ मिनट, द प्राइस ऑफ ईच को मैं अभी ले लेता हूं पिक्चर में, प्राइस ऑफ ईच, लेकिन अभी क्वांटिटीज को डिफाइन किया है सिर्फ, है ना, क्वांटिटीज,
कुछ पेंसिल्स कुछ शार्पनर, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज एरॉन, आदित्य बॉट ट्वाइस एज पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर्स। ये क्वांटिटी की बात चल रही है बेटा, लिखना हो तो यहां क्वांटिटी वर्ड मेंशन कर लेना। कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट जो है शार्पनर की कॉस्ट पेंसिल से 2 ज्यादा है, तो पेंसिल की अगर एक्स है तो शार्पनर की x+2। एक मिनट मैं पढ़ लूं दोबारा, शार्पनर की 2 ज्यादा है पेंसिल से, परफेक्ट परफेक्ट। तो वो तो फिर यहां पर भी था, कॉस्ट में तो कोई चेंज किया ही नहीं गया है, तो फिर जितना अमाउंट एरॉन ने खर्च किया उतने ही आदित्य ने खर्च किया, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं? ये अमाउंट बन जाएगा ना क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ ईच, सो XP प्लस SX प्लस 2S इज इक्वल टू 2PX प्लस SX प्लस 2S माइनस 10X माइनस 20। विजुलाइज डेफिनेटली कर पाए होगे, मैंने वहां पर थोड़ा पॉज भी लिया था और आपको टाइम भी दिया था। SX से SX उड़ा दो, 2S से 2S उड़ा दो, XP को इधर ले जाओ, तो 2PX माइनस PX इज ओनली PX, बाकी सबको इधर ले आओ, 10x प्लस 20, 20 इज इक्वल टू पी माइनस 10x, 20 इज इक्वल टू पी माइनस 10x। पी को याद करो, पी क्या था? पी वॉज द नंबर ऑफ पेंसिल्स, पी वॉज द नंबर ऑफ पेंसिल्स एरॉन जो खरीदता है। तो अगर पी माइनस 10 को अगर पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 20 का प्रोडक्ट भी लाना है, तो इट हैज टू बी 11, है ना? क्योंकि हमको पेंसिल्स को मिनिमाइज करना है, पेंसिल्स को क्या करना है, मिनिमाइज। तो मेरा इसीलिए डायरेक्ट पी की तरफ क्या गया, 11, क्योंकि अगर मैं पी को 12 13 14 लूंगा तो पी मिनिमाइज नहीं होगा, सो आई हैव टेकन पी एज 11। तो फिर एक्स का वैल्यू आ गया 11 माइनस 1 एक्स, प्राइस ऑफ ईच कितनी आ गई फिर, 20। प्राइस ऑफ ईच कितनी आ गई, 20। बट देखते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय आदित्य एंड एरॉन टुगेदर, पी प्लस 2P 3P, और पी मैंने 11 लिया है, मिनिमाइज किया है 33। गुड वन, रीसेंट एंड गुड वन, रीसेंट एंड गुड वन, ठीक है, बढ़िया है। एक बार आराम से सॉल्यूशन दोबारा और देख लेना और पॉज करके देख लेना, सो डेट अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप उसे कनेक्ट कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ये कुछ जो मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े थे, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग देम, बिकॉज अगर कुछ बच्चों ने ट्राई किए होंगे एंड दे वुड बी लुकिंग फॉर आंसर्स, तो हम वो देख लेते हैं। हाउएवर मेरा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लीज बता दिया करो कमेंट में कि वेदर यू आर ट्राइंग, वेदर यू हैव मेड इट, क्या मुझे वो सॉल्यूशंस कराने हैं नहीं कराने हैं एंड ऑल। x²-7x+11, x²-13x+42 की इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये 1 हो सकता है क्योंकि 1 रेज टू एनी पावर इज 1, तो सबसे पहले ये 1 हो सकता है क्योंकि आपको पता है 1 रेज टू एनी पावर इज 1, ठीक है? तो 5 को 5 2 में ब्रेक कर लेते हैं, x is 5 x is 2, दो सॉल्यूशंस यहां से आ गए, दो सॉल्यूशंस यहां से आ गए बिकॉज 1 रेज टू एनी पावर इज 1, ठीक है? सेकंड, सर पावर 0 हो सकती है, पावर 0 हो सकती है बिकॉज एनी नंबर अदर देन जीरो, एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन जीरो रेज टू अ
रेस टू अ पॉजिटिव पावर, रेस टू अ जीरो पावर विल गिव यू, रेस टू अ जीरो पावर विल गिव यू व्हाट? वन। तो फिर ये जीरो हो सकती है। सिक्स और सेवन बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं। देखना यहां पर एक ट्विस्ट मैं आपको चेक कराऊंगा। अब जैसे आपको पता है ये सर जीरो होता है टू और फाइव पर, ये होता है सेवन और सिक्स पर, तो डेफिनेटली सेवन और सिक्स पर ये नॉन जीरो होगा, डेफिनेटली सेवन और सिक्स पर ये नॉन जीरो होगा। तो वो जो जीरो वाला, जीरो अपॉन जीरो वाला जो एक्स्ट्रा केस है विच आई एम रिकमेंडिंग टू टेस्ट, वो आप टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसके अलग रूट है, इसके अलग रूट है, तो फिर इन वाली वैल्यूज पर ये नॉन जीरो ही आएगा, तो वो जीरो वाला केस आपको चेक करने की अब जरूरत नहीं है। थर्ड, ये नेगेटिव हो जाए, माइनस वन हो जाए, ये माइनस वन हो जाए, वो इवन हो जाए। पहले तो देख लेते हैं माइनस वन पर कोई अच्छा रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं, रियल सॉल्यूशंस दे पाएगा कि नहीं। दे रहा है भाई, दे रहा है। एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री इज जीरो, तो एक्स इज थ्री और एक्स इज इक्वल टू फोर। बेटा दो सॉल्यूशंस और दे दिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लाइन से दिए भाई सारे सॉल्यूशन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। बस अब थ्री और फोर पर ऊपर वाली इक्वेशन इवन होनी चाहिए। आपको पता है यहां पर माइनस वन से सॉल्यूशन तभी आ सकते हैं जब ये पावर इवन हो, तो थ्री और फोर पर पावर को इवन चेक करना पड़ेगा, थ्री और फोर पर पावर को इवन चेक करना पड़ेगा। थ्री कैसा नंबर है? ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ये ऑड इंटू ऑड, ऑड प्लस इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन। दे रहा है भाई, चलेगा। फोर पर देखो, फोर स्क्वायर इवन, इवन नंबर मल्टीप्लाई टू एनी नंबर इवन, एंड दिस इज ऑल्सो इवन, इवन माइनस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, दोनों पर ही इवन आ रहा है। इफ दोनों पर ही इवन आ रहा है तो सारे के सारे छह के छह सॉल्यूशन चल जाएंगे। एक भी सॉल्यूशन अवॉइड नहीं करना है भाई, एक भी सॉल्यूशन अवॉइड नहीं करना है, ऑल विल वर्क, है ना? ऑल विल वर्क। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। बीइंग डन बाय अस, इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, अगेन आई थिंक इट्स प्रिटी वेल डूएबल। एक्स स्क्वायर माइनस टेन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू वन। सबसे पहले इसका वन होना, इसका वन होना देखते हैं कुछ फायदेमंद है कि नहीं। नो, नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसका वन होना कोई फायदेमंद नहीं निकला। अब इसका जीरो होने से देखते हैं क्या फायदा होता है। प्रोडक्ट टेन का डिफरेंस थ्री का फायदा हो रहा है, माइनस फाइव प्लस थ्री, माइनस फाइव प्लस थ्री प्लस टू, एक्सेस फाइव और एक्सेस माइनस टू। क्या आप चेक करोगे इन पर ये नॉन जीरो है कि नहीं? जरूरत नहीं है सर, वो तो वैसे भी इरेशनल वैल्यूज पर जीरो हो रहा था, सॉरी वो तो वैसे भी इरेशनल वैल्यूज पर, चेक कर लो, फाइव का स्क्वायर 25 पॉजिटिव है, नॉन जीरो होना चाहिए, बस नॉन जीरो है सर। तो फिर ये दो सॉल्यूशंस आ गए अभी तक। लास्ट केस कौन सा देखते हैं हम? लास्ट केस कौन सा देखते हैं? माइनस वन की पावर इवन, माइनस वन की पावर इवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन को माइनस वन करा लो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री, माइनस वन बना लिया उसको, माइनस वन की पावर इवन। अब प्लस थ्री और माइनस थ्री पर देखो पावर इवन हो रही है कि नहीं। प्लस थ्री पर, प्लस थ्री पर थ्री का स्क्वायर नाइन ऑड, थ्री थ्री जा नाइन ऑड, ऑड माइनस ऑड इवन, इवन माइनस टेन इवन, इवन है भाई। माइनस थ्री पर देख लो, माइनस थ्री पर भी सेम है, ऑड प्लस ऑड इवन।
तो ये दोनों सॉल्यूशंस भी चल जाएंगे, +3 -3 चल जाएगा, +5 -4 चल जाएगा. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 2 एंड दीज 2, 4. 2 एंड दीज 2, 4. बस हमें ये पहली वाली कंडीशन से एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिला, रेशनल नंबर कोई भी नहीं मिला. वो मैं x² = 11 में, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो √11 और √11 का हम क्या करेंगे? अदरवाइज बाकी दोनों से हमको सॉल्यूशंस मिल गए, बाकी दोनों से हमको सॉल्यूशंस मिल गए. यहां फर्स्ट की पावर, फर्स्ट में क्या लेता हूं? 1 की पावर n लेता हूं. सेकेंड में क्या लेता हूं? एनी नंबर रेज टू पावर 0 लेता हूं. और थर्ड और सबसे लास्ट में क्या लेता हूं? -1 की पावर इवन. तो उसके लिए मुझे x² - 10 को -1 लेना पड़ा, उधर ले गया तो +1 हो गया, -10 + 1 - 9 एंड सो ऑन. चलो थैंक यू वेरी मच. एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करा देते हैं आपको, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, प्लीज सारे क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लो. यू नेवर नो कि इस जैसा ही कोई क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकता है ना, इस जैसा ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस. बिकॉज आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि पैटर्न फॉर्म हो रहा है एकदम से, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ वेराइटी इज देयर. एक रिपीटेड पैटर्न है और एक रिपीटेड ही टाइप्स हैं जो आ रहे हैं. तो बहुत ज्यादा यूनिक वेराइटीज, यूनिक पैटर्न्स की भी कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है. तो एटलीस्ट इतना कर लो, उसके ऊपर जो कर रहे हो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज. इन क्वेश्चंस को लिख लिख के दो दो तीन तीन बार करो, कम से कम जब तक वो स्टेज ना आ जाए कि हाँ आई विल डू इट वाइल स्लीपिंग एज वेल. मतलब उठा के जगा दोगे तब भी सही कर लेंगे, उठा के जगा दोगे तब भी सही कर लेंगे. ऐसा नहीं होगा कि अब किया भी है, कभी बन जाता है कभी नहीं बनता है ना. दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस से ऊपर निकल जाओ, एटलीस्ट इन द फेमस टाइप्स, फेमस प्रॉब्लम्स. आज भी हमें 7 8 10 12 क्वेश्चन ही करने होते हैं टू स्कोर फैंटाबुलस वेल, है ना? चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा सेशन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ को रिवाइज कर लो. मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4ac - b² / 4a एट x = -b/2a. इस पर एक आके मैं रेंज वाला क्वेश्चन कराऊंगा इन द फ्यूचर, उसमें आपको इसका एप्लीकेशन दिखाना होगा, -b/2a का और 4ac - b² / 4a का. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम.